हम सब जानते हैं कि अगर कोई कार क्रैश हो जाए और उसके ड्राइवर ने सीट बेल्ट पहनी हो तो एयर बैग्स ओपन हो जाएंगे। मगर आखिर ऐसा कैसे होता है? एयर बैग्स के अंदर हवा कहाँ से आती है? क्या वो हवा कार में पहले ही से कहीं पर होती है? तो चलिए पता लगाते हैं एयर बैग्स के मैकेनिज्म के बारे में। जब भी कार किसी चीज से क्रैश होती है तो उसके ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीसेकंड्स मिलते हैं अपने आप को स्टीयरिंग व्हील से लड़ने से बचने के लिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो तो सीट बेल्ट से पहले ही से पीछे होती है, मगर सर एकदम से कार का मोशन रुक जाने की वजह से आगे टिल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर काम आता है एयर बैग। जैसे ही कार किसी चीज से क्रैश करती है तो वैसे ही उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक इग्नाइटर तक ही पहुंचता है और वो इग्नाइटर सोडियम एजाइड को जला देता है, जिससे बनता है नाइट्रोजन गैस और थोड़ा सोडियम। और ये रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि एयर बैग सिर्फ 30-40 मिलीसेकंड्स के अंदर फूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, खाने खाने नहीं भूलती ना, तो ये भी मत भूलना।